हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस नीतू सिंह और मैं आज आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ फ्रॉम योर लिटरेचर बुक। चैप्टर्स नेम इज़ फोर प्राइजलेस वॉसेस। ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन ए, व्हाई वेयर द नरेटर्स मदर एंड हर फ्रेंड ओइंग एंड आइंग। सो ओवर हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट क्यों नरेटर के फ्रेंड और मदर जो है ओइंग और आइंग कर रहे थे। So the answer is over here, they were owing and eyeing as they watched TJ carrying three trays filled on one on top to the other full of cups। So यहाँ जो है TJ जो है एक साथ तीन ट्रे ये चाय का लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से ये लोग owing और eyeing कर रहे थे कि अभी गिर जाएगा, आराम से चलो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did the narrator find it difficult टू इग्नोर राजन। तो नरेटर जो है यहाँ पे जो ये जो स्टोरी लिखा है वो राजन को इग्नोर करना चाह रहा था बट नहीं कर पा रहा था, तो ये रीज़न क्या है। आंसर इज द नरेटर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इग्नोर राजन बिकॉज व्हेन द आर्कोलॉजिस्ट सो हिम द पीस ऑफ व्हाट ही कॉल्ड अ पीस ऑफ चाइनीज पॉटरी राजन मेड अ स्टेटमेंट दैट द पीस वेयर बिट ऑफ चाइनीज वॉसेस दैट तेनाली रमन हैड गॉट ब्रोकन। तो यहाँ पर जो है राजन को जब आर्कोलॉजिस्ट जो है वो जो टुकड़ा दिखाया वॉस का कि ये क्या है, तो जैसे ही राजन क्या बोला कि ये जो है एक चाइनीज वॉस का टुकड़ा है जो तेनाली रमन ने तोड़ दिया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, वॉट डिजास्टर टुक प्लेस अ वीक आफ्टर वॉस वेयर प्रेजेंटेड टू द किंग। मतलब कौन सा डिजास्टर वहाँ पर जगह लिया था जब हम जो किंग के सामने वो वॉस को शो किया जा रहा था। तो आंसर इज द डिजास्टर दैट टेक प्लेस वॉज द फिनिश्ड ऑफ द प्रेसियस वॉस क्रश टू द ग्राउंड एंड वॉस स्मैश टू पीसेस ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ रॉयल चैम्बर। तो डिज़ास्टर ये हुआ था कि जब रॉयल चैम्बर को साफ़ किया जा रहा था तो उस समय क्लीनर के से हाथ से वो जो वॉस था वो टूट गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी, व्हाट हैपेंड टू वन ऑफ द वॉसेस एंड व्हाट पनिशमेंट वॉस वॉकर गिवन। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो चार वॉस में से एक वॉस के साथ क्या हुआ था और वॉकर्स को क्या पनिशमेंट दिया गया था। तो आंसर इज द वर्कर वॉज हज टू बी हैंग टू डेथ। मतलब जो वर्कर है वहाँ का पैलेस के जो वर्कर है उसे फांसी पे चढ़ाने के लिए बोला गया है एज द पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द वॉस। पनिशमेंट था उसका कि उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई, व्हाई वुड इट हैव बीन ओनली अ मैटर ऑफ अ टाइम बिफोर द रिमेनिंग वॉस ब्रोकन। तो यहाँ पे टाइम का सिर्फ क्यों मैटर था। द आंसर इज द क्लीनर डिड नॉट रियलाइज हाउ फ्रिगल द वॉस वेयर सो सून द अदर वॉस वुड हैव बीन ब्रोकन बाय हिम। तो जो यहाँ पे क्लीनर जो है उसे यह ध्वनक भी नहीं था कि ये जो वॉस जो है इतना नाजुक है और उसके क्या हुआ कि वो वॉस जो है वो टूट गया। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एफ, व्हाट वॉज द लास्ट विश ऑफ द वर्कर हु वॉज कंडेम्ड टू बी हैंग। तो लास्ट विश जो है जिसे फांसी लगने वाले थी उसका लास्ट विश क्या था। सो द आंसर इज हिज लास्ट विश वॉज टू सी द रिमेनिंग थ्री वॉस। तो उसका जो लास्ट विश था वो जो बाकी का तीन वॉस जो बचा हुआ था फुलदान उसे देखना चाहता था। Now the last question of this chapter, what happened to the remaining Chinese horses? तो बाकी जो तीन वॉस बचा हुआ था उनके साथ क्या हुआ था। The answer is the man to be hanged lunged forward kicked all the three horses and smashed them to smithereens। तो जिसे फांसी लगने वाला था वो क्या किया कि आगे बढ़ा और वो तीनों वॉस को किक किया, मतलब उसे पैर से मारा और वो तीनों वॉस जो है वो टूट गया। ओके, तो आज ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ।